कन्वर्ट हुए, ठीक है, ये एकदम से कन्वर्ट नहीं हुए, इसके अंदर पूरा वो प्रोसीजर, वो पूरी लर्निंग और वो पूरी चीजें शामिल हैं, फिर जाके ये कन्वर्शन हम लोग वो उसमें, मैं अभी देख रहा था उसमें, देखें लाहौर रेलवे स्टेशन का एक पोर्शन है, वो मैंने एक ऐसा एंगल निकाला है जो कि, क्योंकि जाहिर है कि वो एक इंग्लिश आर्किटेक्ट का डिजाइन शुदा रेलवे स्टेशन है, तो उसमें जो एक एंगल ऐसा है मैंने निकाला है कि जो कि सेम स्कॉटलैंड के किले के मुतरादिफ है। अच्छा। उसकी इंस्पिरेशन और उस वक्त के किले जो होते थे वो एंगल वो है। अगर वो पेंटिंग अगर यहीं पे लगा दे ना किसी भी, आप मैं चैलेंज करता हूँ, वो कोई बंदा नहीं कहेगा लाहौर का रेलवे स्टेशन है। हाँ। लेकिन है, खूबसूरती है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए ये कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिस तरह आप खूबसूरती बता रहे हैं हमें लाहौर की, तो मुझे बताइए लाहौर का कौन सा तारीखी मकाम जो है वो आपको ज्यादा पसंद है? वैसे तो बहुत ज्यादा लाहौर का तारीखी मुकाम, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी जगह कमी होगी जो कि एक, अगर पसंद तो नहीं, वो तो हर कोई पसंद करता है, इधर बादशाह मस्जिद है, इधर शाही किला है, और इधर वो रंजीत सिंह की समाधि है, इधर रोशनाई गेट है, और वो फूड स्ट्रीट है, और मेरे ख्याल में अगर उसके, अगर थोड़ा सा एरियल में व्यू में चले जाएं तो आपको लाहौर फोर्ट का नौलखा और शीश महल, हाँ। और ये वो, ये एक ऐसा चीज़ है, पीछे मीनार पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा यूनिट है कि जिसको तो ऐसे प्रिजर्व, हाँ। और मेरे ख्याल में ये होना, मेरे ख्याल में हो भी गया, बस यूनेस्को हेरिटेज में आ गया हुआ है, और आ जाना चाहिए हमें, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के इस तरह के बंदे हैं, उनको ये इसको तो यूनेस्को हेरिटेज में दे देना चाहिए इस एरिया को। अच्छा। और बड़ा अच्छा दे रहा है, और मैं तो कहता हूँ ये यूनेस्को हेरिटेज में पूरा लाहौर, वर्ल्ड सिटी 13 दरवाजे, ये पूरे के पूरे यूनेस्को हेरिटेज में आ जाना चाहिए, और इससे हम इतना रेवेन्यू कमा सकते हैं कि जितना के वो भी नहीं कमा सकते, कमा रहे जो इटालिया में और ग्रीस में जो उनके पुराने सिटीज को साफ करके तो वो कमा रहे, लेकिन हम उससे ज्यादा कमा सकते। सर, कौन से तारीखी मकाम को पेंट करते हो आपको सबसे मजा आया? मतलब कोई ऐसा होता है ना मकाम जो दिल को छू जाता है, उसको पेंट कर रहे होते हैं, एक एक चीज गौर से उसको देख रहे होते हैं? असल में मैं एक्सप्रेशनिस्ट हूँ, मैं रियलिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि चीजों की डिटेल में जाऊँ, मैं इन्वायरमेंट और उसके मूड को पेंट करता हूँ। ठीक है। उसमें लाहौरी गेट जो है ना, असल में ना इसके बारे में मैं बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ लाहौर, लाहौरी इज नॉट फ्रॉम लाहौर, नो, ठीक है, लाहौर से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये लहवर जो पुराना लाहौर का जो नाम है, लहवर ये मंडी थी, ओल्ड सेटलमेंट जहाँ पे लोग आके अपना बॉर्डर ट्रेड सिस्टम या कोई भी सिस्टम से अपना कारोबार वगैरह करते थे, ये वहाँ से बिगड़ते इसका लाहौरी गेट, और फिर जब अकबर ने अपने दौर में लाहौर को कैपिटल बनाया, 6 ईयर ये कैपिटल रहा है मुगल एम्पायर का, अकबर बादशाह के वक्त, और 6-7 साल जो रहा उसने, फिर पूरे इसके 13 दरवाजे ब्रेक किए, लाहौर फोर्ट को ब्रेक किया, ये उसका कमाल है अकबर का, जिसने ब्रिक किया, पहले ये मड में था और दरवाजे इस तरह मेंशन नहीं थे, उसने बकायदा स्पेसिफिकली करी, तो उसने फिर जाहिर है कि इस जगह को भी नाम देना था, तो वो लेवर गेट करते करते लोहारी गेट तक पहुंच गए हम। ठीक है जनाब, साकिब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, विजुअल आर्टिस्ट हैं, और क्या खूबसूरती है उनके आर्ट में, उनके आर्ट पीसीज अगर आप देख रहे होंगे और आपने देखे भी हैं कि उन्होंने किस तरह खूबसूरती के साथ जो पेंटिंग्स के अंदर शहर लाहौर को दिखाया है, उसके कल्चर को दिखाया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शहर लाहौर के बारे में जान के, थैंक यू सो मच। और